दोस्तों पाकिस्तान की मौजूदा टीम के सबसे बड़े फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर इन दिनों ग्लोबल T20 लीग खेलने के लिए कनाडा में मौजूद हैं। दोस्तों रात खेले गए मैच में जब मोहम्मद आमिर का सामना अफगानी खिलाड़ी गुरबाज से हुआ तो अफगानी खिलाड़ी गुरबाज ने मोहम्मद आमिर के साथ बदतमीजी कर दी। जैसा कि आपको पता है कि जब भी पाकिस्तान टीम का मुकाबला अफगानिस्तान टीम के साथ होता है या फिर अफगानी खिलाड़ी और पाकिस्तानी खिलाड़ी एक दूसरे के मुखालिफ खेलते हैं तो इन दोनों के दरमियान गर्मा गर्मी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों इस बार अफगानी खिलाड़ी गुरबाज ये भूल बैठे कि वो किसके साथ पंगा ले रहे हैं। मोहम्मद आमिर पाकिस्तान टीम के किंग हैं और गुरबाज को मुंह तोड़ जवाब देकर मोहम्मद आमिर ने साबित कर दिया कि उनको क्यों किंग कहा जाता है। दोस्तों मैच की पहली गेंद पर मोहम्मद आमिर ने गुरबाज को बहुत ही खतरनाक बाउंसर कर दिया जिसके बाद दोस्तों गुरबाज को गुस्सा आ गया और अगली गेंद पर गुरबाज ने मोहम्मद आमिर को आगे बढ़कर ऑन साइड की जानेब एक चौका लगा दिया जिसके बाद दोस्तों वो बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे लेकिन मोहम्मद आमिर खामोश रहे और अगली गेंद करने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों अगली गेंद मोहम्मद आमिर ने ऐसी की कि गुरबाज को नजर तक नहीं आई, इसके हाथ से बल्ला भी छूट गया और विकेट इसकी ग्राउंड पर बिखर गई। आउट होने के बाद दोस्तों गुरबाज का रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं। आमिर ने इस मैच में सिर्फ 13 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।